बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। डियर व्यूअर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कोटादू में, हेड तौसा बिराज पे। तो ये देखें, ये पूरा हेड तौसा बिराज है, पुल है, ये दरिया सिंध पे है, हेड तौसा बिराज सिंध। ये देखें डियर व्यूअर, पानी का बहाव भी आप देख रहे हैं, पूरी आबोताब के साथ ये बह रहा है। इस पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दरिया है और ये हेड तौसा के नाम से मशहूर है। देख रहे हैं माशाल्लाह, हमें थोड़ी भूख भी लगी हुई है। हमारा ये इरादा था कि जो है ना थोड़ा सा अब वीडियो बना के कोई मछली वगैरह जो है ना यहाँ पे अच्छी सी मिलती है वो खाने का मूड था। माशाल्लाह इधर देखें, ये कश्ती बान भी बैठे हुए हैं। ये पूरा दरिया का नज़ारा देख लें आप। दूसरे किनारे पे भी जाएंगे इंशाल्लाह, आपको सारा दिखाएंगे। डियर व्यूअर, इधर जो है ना, अगर आप ये तफरी एक मकाम है, यहाँ आप बच्चों के सैर सपाटे और इसके एंटरटेनमेंट का सामान भी मुहैया किया गया यहाँ पे। ये झूला आप देख रहे हैं, ये ड्रैगन है, हाइट भी देख रहे हैं माशाल्लाह। ये शाम के टाइम मेरे ख्याल में ये थोड़ा करते हैं ज़्यादा, बच्चे शाम को ही आते हैं, हम तो 12 बजे ही पहुंच गए। माशाल्लाह ये भी बच्चों के झूले हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह, ये भी बच्चों का एक झूला है माशाल्लाह। अमेजिंग फिश, जैसे शार्क फिश हो इसी तरह का उन्होंने झूला बनाया हुआ है। ये बच्चों के झूले हैं अब देख रहे हैं माशाल्लाह। डियर इधर जो है ना मछली वगैरह भी बहुत अच्छी बनाते हैं, हमने ऑर्डर दिया हुआ है, मछली खाएंगे इंशाल्लाह। देखें बेहतरीन व्यू है, गाड़ियाँ, डियर ये देखें, ये भी बेहतरीन, इधर मछली खाने के लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, बेहतरीन लोकेशन, सुकून माहौल देख रहे हैं। फिश पॉइंट हैं ये सारे। दरिया ये देखें, इधर से दरिया बिल्कुल नजदीक है। डियर व्यूअर, मछली हमारी आ गई है माशाल्लाह। कोई मैंने कहा एक रोटी भी लेके आओ। ये देखें मछली माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मछली बनी हुई है। ये देखें माशाल्लाह, अभी हम मछली खाते हैं और करते हैं ब्रेक। ये देखें हेड तौसा बिराज माशाल्लाह, और बच्चे जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं इनको देखें, इनके देखें माशाल्लाह, और हमें नीचे उतरते हुए भी डर लगता है। और इनको देखें, बैठो बेटा, क्या कर रहे थे, इधर थे ना, ये देखें, हमें देखते हुए भी डर लगता है कि दरिया के अंदर न चले जाएं। और इनको देखो, इनको देखो, ये देखो,
ये देखो इनको डर ही नहीं लगता कि जो है ना हम नीचे गिर जाएंगे। ये देखो हम सीढ़ियों से जाएंगे ऐसे स्लिप हो जाते हैं। ये देखो वाह यार वाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर ये देखें बिल्कुल नजदीक से आप देखें इनको ना, ये देखें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। ये डियर व्यूअर ये देखिए सारे मछली के फियाज की टेस्टी तली हुई मछली, उस्ताद फियाज की टेस्टी तली हुई मछली। ये देखें ये सारे मछली वाले इधर बैठे हुए हैं, इन्होंने ये सारा सेटअप किया हुआ है और मछली का रेट भी मुनासिब है माशाल्लाह। 500 रुपये डम्बरा का रेट है और मुख्तलिफ रेट है, यानी कि 600 रुपये भी है और 1300 रुपये जो अच्छी से अच्छी मछली का रेट है यहाँ पे तली हुई मछली के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर ये देखें ये पूरी डिटेल है, इसकी हिस्ट्री है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। तौसा बिराज की जदीद खतूत पर बहाली का मनसूबा, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं। माशाल्लाह डियर व्यूअर ये आप देख रहे हैं ये पानी का बहाव जबरदस्त। डियर व्यूअर ये देखें माशाल्लाह तौसा बिराज की कितनी अच्छी लोकेशन है और पिकनिक के लिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के आप पिकनिक भी मना सकते हैं फैमिली के साथ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू है माशाल्लाह। माशाल्लाह ये जहाँ से पानी आ रहा है ये वो जगह है, फिर आगे क्रॉसिंग है इसकी। ये देखें ये सारी पुल बनी हुई है ऊपर माशाल्लाह, और यहाँ से फिर दो रहने निकल रही हैं, ये आप देख रहे हैं डियर व्यूअर्स दो नहरें निकल रही हैं। ये मुजफ्फरगढ़ का नाल है, ये देखें माशाल्लाह इससे दो नहरें निकल रही हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा प्यारा व्यू है। ये देखें माशाल्लाह दरिया यहाँ से आ रहे, कितनी अच्छी लुक है माशाल्लाह। देखें माशाल्लाह ये बहुत बड़ा दरख्त है माशाल्लाह, ये देखें कितना बड़ा दरख्त है, छोटा छोटा सारे बने हुए हैं इधर यहाँ पे। लेफ्ट गाइड बंद लेंथ भी लिखी हुई है। ये डियर व्यूअर ये देखें कितना अच्छा नज़ारा है माशाल्लाह, आगे भी और दरिया के अंदर भी जो ना वाली कोई जजीरा नुमा चीज़ बनी हुई है।
देखो माशाल्लाह बच्ची के नज़ारे, इसको ताला लगा हुआ है। डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो है ना मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें। और व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता नहीं है, इसलिए जो है ना मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। डियर व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।